है एक लवली डे एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट अप टू डेट ऑन दीपक शेट्टी सर टू हेल्प अस सो प्लीज गिव अस द गाइडेंस और आई यू से द वन ऑफ द बैड डेज विकर्का के बारे में कर सकता था जी वी कैन कॉल इट दैट थिंग अमेरिका इज गोइंग टू ओपन नाउ द कैटेगरी में नहीं लग रहा है तो उस कैटेगरी से बाहर कर देना और इंडिया को श्रीलंका से ही मतलब इंडिया से ही बाहर जाना हम लोग अमेरिका जाते हैं इस कैटेगरी से बाहर कर दिया है अमेरिका ने इंडिया को अभी इस कैटेगरी से बाहर रखा है बुझ गए हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रीटिंग्स टू यू ऑल अभी आज है एक लवली डे एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कैच अप और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैचिंग अप ओवर टी क्योंकि हम इंडियंस के लिए भी चलता ही रहता है लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्टेइंग अप टू डेट ऑन एनी न्यूज वी कैन पॉसिबली हैव क्योंकि व्हेन वी आर ऑन अ टॉप गेम ओनली देन कैन वी बी सक्सेसफुल और इसके लिए आई हैव अ वेरी ओन मिस्टर दीपक शेट्टी सर टू हेल्प अस स्टे अप टू डेट आई थिंक टुडेज मेन होस्ट वाज अमेरिका या डेफिनेटली ट्रू ओके सर सो प्लीज गिव अस द गाइडेंस थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हेलो एवरीबॉडी एंड टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट डेज और आई कुड से द वन ऑफ द बैड डेज बिकॉज आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल अमेजिंगली अमेजिंग है आपको खुशी भी होगी और थोड़ा सा खुशी के साथ गम भी हो सकता है तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल न्यूज़ की अमेरिका के बारे में वो ये न्यूज़ है कि अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ही जल्द वीज़ा स्टार्ट करने वाला था बहुत कम रेट पर और कोई भी अप्लाई कर सकता था जी वी कैन कॉल इट दैट कोई भी अप्लाई कर सकता था उस वीज़ा के लिए उसमें भी लोग वर्क एंड हॉलीडे दोनों एंजॉय कर सकते थे ओके अमेजिंग और हम ईगरली वेट कर रहे थे और आज हमारी वीडियोस बात पे बननी थी कि अमेरिका इज गोइंग टू ओपन नाउ लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल एक न्यूज़ आई और न्यूज़ में ये पता चला कि अमेरिका जो है वो इंडिया को उस कैटेगरी से बाहर कर रहा है तो इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका और कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनको अमेरिका ने बाहर कर दिया है और वो डाइवर्सिटी वीज़ा कैटेगरी में नहीं रख रहा है तो जो इंडिया का सिस्टम हमारा है अमेरिका के साथ वो थोड़ा समझना यहाँ पे ज़रूरी है जी तो यहाँ पे जो बात समझ में ये आती है कि इतना हमने अमेरिका को सपोर्ट किया है हमारे इतने स्टूडेंट्स अमेरिका गए हैं स्टडी वीज़ा में अप्लाई भी कर रहे हैं जी उसके बाद इंडिया को उस कैटेगरी से बाहर कर देना और इंडिया को शामिल ना करना एक बहुत ही दुखदायी न्यूज़ है इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बट अगेन अमेरिका शुड अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बांग्लादेश से ही श्रीलंका से ही इवन दैट इंडिया से ही बाहर जाते हैं जी तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग और सैड न्यूज़ है हमारे लिए और इसके पीछे का जो तर्क मैम दिया गया है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है वो ये कहा गया कि इंडिया में हर साल जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका जाते हैं अब वो उन कंट्री को लेंगे जिस कंट्री से कम लोग अमेरिका जाते हैं ओके तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती जी मेरे भी समझ में नहीं आती व्हाइल आई अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इज अ गुड एम बट आप एक तरफ थोड़ी डाइवर्सिटी रोक भी रहे हो डेफिनेटली तो ये एक ऐसी न्यूज़ है माई ऑडियंस कि अमेरिका ने अभी इंडिया को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया है हम वेट कर रहे थे कि अमेरिका भी लॉटरी सिस्टम शुरू करेगा जी फाइलिंग होगी और बहुत सारे इंडियंस को बहुत कम पैसों में अमेरिका जाने का मौका मिलेगा बट नाउ इट इज़ लिंगरिंग अब ये अधर में लटक गया है अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है बट अब तक का न्यूज़ यही है ब्रेकिंग कि अमेरिका ने इंडिया को अभी इस कैटेगरी से बाहर रखा है दैट्स अ न्यूज़ दैट इज सर्टेनली सैडनिंग यस व्हाइल आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे ट्रू वन मैं अभी एंड तो करना चाहूंगी क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी उम्मीद जागी थी वो थोड़ी सी बुझ गई होगी बुझ गई है लेकिन मैं आप सबको ये भी रिमाइंड करना चाहूंगी कि चाहे जो मर्जी हो आपकी ड्रीम है तो हमारी डेस्टिनेशन तो होगी ही होगी सो डोंट वरी जस्ट कम टू वाइट फेदर्स राइट